प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और बहुत ढेर सारी ये कहूँ कि अनंत शुभकामनाएं जो भगवान शिव की तरफ से आपके पास आ रही हैं इस सावन के महीने में। इस सावन की महत्ता के साथ में, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सावन की महत्ता क्या है, अब इस महत्ता के साथ में एक और चीज़ आ जाती है, रुद्राक्ष, रुद्र का अंश। अब रुद्राक्ष को धारण करने के लिए इससे उत्तम समय नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी मनोकामनाओं को, किसी भी समस्या को समाप्त करना चाहता है तो इससे उत्तम समय उसे नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन से बढ़िया कोई समय नहीं है। अब किस तरह का, कौन सा रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, उदाहरणार्थ मैं यहाँ आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। किसी स्त्री का विवाह नहीं हो रहा, किसी बालिका के लिए माता पिता परेशान हैं, तो उसे गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं। हाँ, संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है, गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब साथ ही वैवाहिक जीवन में कलह है तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं 13 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कर्जे से परेशान हैं और कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखता, सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और मैं तो कहूँगा सप्तमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करिए तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभिमंत्रित कराकर शुद्ध कर कर ही धारण करिएगा। और साथ ही ये बता दूँ दर्शकों, यहाँ सबसे पहली बात है, रुद्राक्ष धारण करने की जितनी महत्ता है उतनी सावधानियाँ भी हैं, क्योंकि नियमानुसार अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है और रुद्राक्ष के नियम पालन नहीं कर रहे तो आप पाप के भागी भी बनते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते आप रुद्राक्ष धारण करके, आप सो नहीं सकते हैं। कहा जाता है रुद्राक्ष को धारण करके कभी भी सोया नहीं जाता रात्रि में, उसे उतार कर आपको रखा जाएगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। साथ ही आप रुद्राक्ष को कभी भी गंदे हाथों से उठा नहीं सकते, शुद्धता। कारण क्या है, शिव का वास है, शिव का अंश है वो, तो उसकी शुद्धता का, उसकी महत्ता का आपको ध्यान देना होगा। आज के इस मॉडर्न युग में हम उसे एक खाली लकड़ का टुकड़ा समझ के बैठ जाते हैं, तो यही गलती करते हैं कि उसकी शक्तियों को हम जागृत नहीं कर पाते, उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। नहीं तो साक्षात जागृत हैं रुद्राक्ष। अगर आप उसका अनुभव करना चाहते हैं तो मैं एक बार आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सच्चे मन से शिव का ध्यान करके आप रुद्राक्ष धारण करिए, अपनी पत्रिका का अवलोकन कराकर उसके आधार पर धारण करिए, और मात्र 30 दिन, मैंने 1 महीने के अंदर अगर आपको अंतर ना लगे तो बताइए। पर ध्यान दीजिएगा, नियम पालन करिएगा, अपने आप के साथ ईमानदारी बरतिएगा, क्योंकि हम अपने आप के साथ ईमानदारी नहीं बरतते, हम बाहर दिखा देते हैं कि हाँ हम बड़े सच्चे हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। अगर हम अपने आप के साथ ईमानदारी करेंगे तो रुद्राक्ष निश्चित तौर पर आपको लाभ देगा। तो इससे उत्तम समय नहीं होगा रुद्राक्ष धारण करने के लिए। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि सावन के महीने का लाभ लीजिए और रुद्राक्ष धारण करिए। नमस्कार, धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।